हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको त्रिफला चूर्ण के बारे में बताऊंगा। इसके क्या फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है, इसके साथ ही इसका मार्केट प्राइस क्या है, इस सब चीज की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, मेरे पास है वैद्यनाथ का त्रिफला चूर्ण, यह कुछ इस प्रकार की पैकिंग में आता है, आप इसे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, त्रिफला चूर्ण जो होता है वो मार्केट में 30 रूपए के आसपास आता है, 50 ग्राम का पैकेट है, 29 रूपए के आसपास ही आपको मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके फायदों के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर इतने फायदे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके पाचन को अच्छा रखता है, अगर आपको गैस कब्ज की दिक्कत होती है उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है। आपकी आंतों की सफाई रखने में भी मदद करता है। शरीर के अंदर जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें बहुत जल्दी बाहर निकाल देता है। पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छा बनाता है। इसके साथ ही आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल और जो भी फैट सेल होती हैं उनको बर्न करने में आपकी मदद करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो कि आपके मोटापे की दिक्कत को दूर कर देगा, आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, आपके पेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसे आप रामबाण औषधि समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आपको इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। दोस्तों, अगर आप अपने फैट सेल को बहुत जल्दी बर्न करना चाहते हैं तो आपको रोजाना सुबह और शाम एक एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो फैट सेल होंगी पूरी तरह से कम हो जाएंगी और आपका मोटापा धीरे धीरे घटने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कब्ज की दिक्कत है या आपका पेट बहुत ज्यादा फूलता है, पेट के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है, पाचन संबंध से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आप त्रिफला चूर्ण को रात के समय एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। यह आपके पेट से संबंधित सभी प्रकार की दिक्कतों को दूर कर देगा। साथ ही साथ अगर आपकी आंतों के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा राहत देता है। दोस्तों, जो त्रिफला चूर्ण होता है 3 चीजों से मिलकर बना है। इसके अंदर आंवला, बहेड़ा और हरेड होता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर त्रिफला चूर्ण को बनाया जाता है। पहले तीनों चीजों को लिया जाता है, फिर इन्हें चूर्ण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फिर इन तीनों चीजों को मिलाकर त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। आप हमेशा इसे डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इसे अपने आप लेना चाहते हैं तो इसे आप गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं आपको इसके नुकसान बताना चाहता हूं। दोस्तों, वैसे तो यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन दोस्तों अधिक मात्रा में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पेट के अंदर दर्द होना, पेट के अंदर ऐंठन होना, ज्यादा दस्त लग जाना, ऐसी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।